हालत पूरा खराब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइज, मैं अभी ट्रेन में हूँ, आप देख सकते हैं, और ये मॉर्निंग हो चुका है। मैं 17 तारीख को शाम 5 बजे बैठी थी ट्रेन में, और आज 18 तारीख है, मॉर्निंग हो चुका है। वो लड़की है, आप देख सकते हैं, वो ब्रश लेकर जा रही है। ये मॉर्निंग हो चुका है और मैं अभी थर्ड एसी में बैठी हूँ। सुबह हो चुका है और अभी मैं बरहमपुर जाने वाली हूँ अपने हॉस्टल में। सो फाइनली मैं आ रही हूँ बरहमपुर उड़ीसा में। तो ये है मेरे कुछ सामान, ये मैं खाने पीने की चीज़ें मैं रखी हुई हूँ, चिप्स, लेज वगैरह ये सब, और पुलाव और भी जो स्नैक्स वगैरह वो भी मैंने रखा है, ये मैं खाती रहती हूँ। और ये मेरा सीट, और ये साइड के जो लोग हैं ये हैं, ये सब उड़ीसा जा रहे हैं। हम सब बरहमपुर के आसपास, बरहमपुर में ही ये लोग भी मतलब उतरेंगे। सारे लोग उड़ीसा के हैं, बस वही आंटी जो दिख रही है ना, वो बहुत ही अजीब मुझे लगी। एक तो मेरे पास आकर मुझे बोला कि मैं इधर थोड़ा खाऊंगी, वो रात की बात है, पता नहीं अभी कैसे खा रही हैं, बट कल रात को ये इतना छुपा छुपा कर खा रही थी कि भगवान, मैं तो क्या क्या ही बोलूं, इतना क्या क्या चीज़ खा रहे हैं जो इतना छुपाना पड़ रहा है। तो ये था, कोई नहीं, उनकी मर्ज़ी। मेरा ये सामान, मैं फिर से एक और डब्बा निकाली, मतलब ये सब मैं खाना वाना लेकर आई थी रूम से, पुलाव वगैरह। तो ये एक डब्बा तो खा, दो डब्बा, एक टिफ़िन और एक वो वाला ब्लैक कलर का जो डब्बा है वो मैंने ख़त्म कर लिया है, और ये दूसरा निकाला है। तो ये मैं अभी लंच में खाऊंगी, और फिर से देख रही हूँ क्या क्या खाऊँ। अभी लेस मैंने नहीं खाया, वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है ना, तो कुरकुरे खा लिया। अब क्या करें, थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा। मन करता है कि सब लोग खाते रहते ना, तो ठीक है। और ये थोड़ा बाहर का नज़ारा, ये रुका है ट्रेन, तो लोग सब खाना वाना खा रहे हैं, बाहर भी थोड़ा घूम रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में बैठ बैठ कर सब बोर हो जाते हैं ना। तो मैं तो एक बार भी नहीं उतरी बाहर, क्या पता कब छूट जाए, मतलब ये एक्सप्रेस ट्रेन है ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं उतरी बाहर। और ये विशाखापट्टनम से ये अभी चल दिया ट्रेन, और ये गाय भैंस भी चरते हुए, इनको देखकर मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और मैं पहुंच ही जाऊंगी बहुत जल्द। ये मैं पहुंच चुकी हूँ बरहमपुर में, मेरे होम टाउन में। मैं अभी बस में हूँ, शाम के 5 बजे हैं, और ये मेरे पीछे वाली को देखिए, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है मेरी वीडियो में आने का। तो ये है मौसी लोग, बस में बैठे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ, मुझे इनकी बातें बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, ऐसे मैं सुनती रहती हूँ, मज़े लेती रहती हूँ। बस चलते चलते ऐसे ही ड्राइवर ने मारा ब्रेक जोर से, और मेरा शुरू जैसे मारा, तो ये मौसी लोग बैठे थे वहाँ पर, मेरा सूटकेस फिर मैं वापस लाई, उन्होंने मदद किया, थोड़ा इधर मुझे दिया। और इस बार मैं बस में जा रही हूँ, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और वो बोलते हैं कि युवा हो, अपनी एनर्जी का सही तरह से इस्तेमाल करो, ये ऑटो कार वगैरह ऐसे गाड़ी में ऐसे करके आराम से पहुँचने का क्या मतलब है, थोड़ा योगदान करो अच्छे से, मतलब बस में जाओगे तो सबका एक साथ काम हो जाएगा, और एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, फ्यूल भी बचेगा। तो इसलिए मैं आज बस में जा रही हूँ, और ये मैं पहुँच गई मेरे हॉस्टल में, और ये मेरा रास्ता है हॉस्टल का, जो मेन गेट तक जाने का, और ये अंदर आ चुकी हूँ हॉस्टल के, और ये अंदर का व्यू है। इस ये लड़कियाँ चल चल कर जैसे जा रही हैं, मैं भी ऐसे ही अंदर तक जाऊँगी। और ये मेरा रूम है, मैं आ चुकी हूँ, और मैं की लेने गई थी, तो ये पूर्णिमा का रूम है, मैं पूर्णिमा को ही देकर गई थी, बट ये भी लेट आने वाली थी, तो उसने मैट्रन को दे दिया था। तो मैं अभी अपने रूम में जाऊँगी और अपना रूम को खोलूँगी। भला अच्छा हॉस्टल है।
ହଁ ଏବେ ତମ ରୁମ୍ଟା ବହୁତ ସଫା ଲାଗୁଛି, ସିଏ କେବେ କରୁନଥିଲା ନାଇଁ। ସତରେ ତାକୁ ପୁରା କାଢ଼ିଦେଲେ, ପୁରା କାଢ଼ିଦେଲେ, ବା ପୁରା ସଫା। ୱାଓ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ, ବଢ଼ିଆ। ଏକୁଟା ରହିଲେ ପୁରା ସଫା, ପୁରା କ୍ଲିନ୍। ମାଲୋ ତୋ ହସିଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି। ସଦା ମାନେ ତୋ ହସିଟା ଟିକେ ଦେଖି, ହସି ଟିକେ, ଏ ଆମ କ୍ୟୁଟି ଗର୍ଲ। मेरा रूम, माय गॉड क्या हालत हुआ होगा पता नहीं। जैसे छोड़ के गए थी। ओहो दिल को करार आया, पहली पहली बार आया। जैसे कि ये रूम को देखने से ना क्या क्या ही बोलूँ, मेरे गाने में आप समझ सकते हो कि दिल को करार आ गया। बहुत ही लगाव हो चुका है इस रूम से मुझे, काफ़ी अच्छा लगता है इधर से। अभी मैं साफ़ सफाई करके पूरा सेट करूँगी। मेरा रूम, मेरा प्यारा रूम, मेरी रिसर्च लाइफ का ये रूम बहुत यादगार रहेगी मेरी पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती मैं। मेरा गमछा सूख रहा है। ठीक है, मेरी हालत पूरा ख़राब, मेरी हालत तो देखो, माय गॉड। पूरा एसी में बैठ के आई हूँ तो पूरा भीग गई हूँ, अभी बाहर आते ही बहुत ज़्यादा मतलब पसीना आ रहा है। अभी मैं पूरा शैम्पू करके नहाऊंगी, अभी पूरा रगड़ रगड़ के। सो गाइस, मैं आ गई फाइनली बरमपुर में, और फिर और वीडियोस में मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मैं रखती हूँ, अभी पहुँच ही चुकी हूँ हॉस्टल में। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।